तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय टेक्सन। आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो भी बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा डी फार्मेसी कर रहे हो, या अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, या अगर आप पास आउट हो, या अगर आप किसी भी स्टेट से डिप्लोमा डी फार्मेसी कर रखा है, तो दोस्तों अगर आप हरियाणा से बीटेक करना चाहते हैं लीड के थ्रू, तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर, गुड न्यूज निकल कर आया है HSTS की तरफ से, हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो भी बच्चे हरियाणा से बीटेक करना चाहते हैं लीड के थ्रू, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ गई है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हरियाणा लीड का ब्राउचर कब आएगा, हरियाणा लीड का जो फॉर्म अप्लाई करने के डेट क्या कुछ है, मेरिट लिस्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा। तो HSTS ने सारा कुछ रिलीज कर दिया दोस्तों, अभी कुछ मिनट पहले ही HSTS ने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अपने 21 और 22 सेशन का एडमिशन का प्रोसेस, किस तरह एडमिशन होगा, मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, सब कुछ दोस्तों निकल चुका है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। जो भी बच्चे हरियाणा से स्पेशली डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा के 6 सम के बच्चे हैं, वो बच्चे घबराए नहीं, वो बच्चे पैनिक ना ले, सारे बच्चे के लिए सोल्यूशन है, सब कुछ बताऊंगा, A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली आज तक देखना। दोस्तों मैंने एक अभी प्रीवियस वीडियो कुछ घंटे पहले अपलोड किया था कि हरियाणा के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स का जरूरी पड़ेगा जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। तो मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स का जरूरी पड़ेगा, मैं उसके ऊपर आज ही वीडियो बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, प्रोस्पेक्टस में दिक्कत आ रही है, तो नीचे आप कमेंट करना, मैं प्रोस्पेक्टस A to Z अच्छे से हिंदी में पढ़ के बता दूंगा। अगर आप फॉर्म करते फिल करते हो, अगर उस टाइम भी दिक्कत आ गई, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं फॉर्म फिल करके फी कैसे पेड करना, क्या कुछ करना, मैं सारा कुछ दोस्तों आपके साथ हूँ, सब कुछ बताऊँगा। तो जो बच्चे पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है, पहले आप उस जाकर वीडियो को चेकआउट करना। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो ये नोटिफिकेशन है HSTS के वेबसाइट पर भी है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। नहीं दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इनके फेसबुक पेज पर HSBT ने भी पब्लिश कर दिया है, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी HSBT ने इसको पब्लिश किया है। ऊपर देख सकते हो की डेट्स ऑफ बीटेक लेटर एंट्री 2021 अपेंडिक्स 1 में, और दोस्तों नीचे देख सकते हो नेम ऑफ कोर्स दिया हुआ है, लेटरल एंट्री फॉर BE BTech। और दोस्तों इसमें सेकेंड दे रखा है कि जो आपका एडमिशन होगा इंटर मेरिट बेस पे होगा, ठीक है, रैंक प्रिपेयर होगा, उसके हिसाब से आपके कॉलेज मिलेंगे। अब दोस्तों मेन बात आती है कि जो आपके ऑनलाइन ब्राउचर कब देखने को मिलेगा। दोस्तों बता दूँ कि जो इसमें लिखा है कि आपका जो ब्राउचर है 10/8/2021, मतलब कल का डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो एक बार दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप HSTS.org.in पर जाकर इनका एक बार ब्राउचर चेकआउट कर लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ब्राउचर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। एक बार आप नीचे कमेंट कर देना अगर आपको ब्राउचर समझ में नहीं आता है। अगर दोस्तों ब्राउचर अभी नहीं आया होगा तो आप वेट कर लेना, ब्राउचर इवनिंग तक आ जाएगा। अगर आ चुका होगा तो जाकर आप एक बार चेकआउट कर लेना वेबसाइट। अब दोस्तों बात करते हैं ब्राउचर का डेट, उन्होंने दे रखा है कि 10/8/2021 को ब्राउचर आ चुका है। अगर नहीं आया होगा तो दोस्तों आप वेट कर लेना, इवनिंग तक अपलोड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अप्लाइंग ऑनलाइन। अब दोस्तों अप्लाइंग आपको कब से कब करना है, तो 20/8/2021 जब डिप्लोमा हरियाणा के अंदर जो डिप्लोमा का पेपर लास्ट 20 तारीख को है, तो आप 20/8/2021 से लेकर आप अप्लाई कर सकते हो 20/9/2021 तक। तो दोस्तों आप 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, जो इनका वेबसाइट है ओपन हो जाएगा, आप पहले जाकर रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस मैं आगे बता रहा हूँ। तो जो स्टार्टिंग डेट है 20/8 से लेकर 20/9/2021 तक ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। इसके अंदर इंक्लूडिंग KM TWF EWS कैटेगरी भी इंक्लूड रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कब लग जाएगी। जैसे ही आपका फॉर्म क्लोज होता है, सबसे पहले दोस्तों आपका पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उनका पहले वेरीफाई किया जाएगा आपके HSTS की तरफ से। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अगर गड़बड़ है, जेनुइन नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो डॉक्यूमेंट्स के लेकर मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आपको एक बार चेकआउट करना क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन दोस्तों 20/8/2020 से 21/9/2021 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 20/8/2021 से लेकर 21/9 तक वेरिफिकेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट दोस्तों आपका जो इंटर मेरिट लिस्ट होगा, रैंक कार्ड सबका 27/9/2021 को आफ्टर 5 PM के बाद रिलीज हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने 27/9 दे रखा है, तो समझो कि आपका जो मेरिट लिस्ट है 27 नहीं 28 को 29 को आ सकता है, उस दिन नहीं आता है, तो इस बात को आप ध्यान रखना है। जो आपका मेरिट लिस्ट है, जो आपका डिप्लोमा में जितने परसेंट आए होंगे उसके हिसाब से जो आपका मेरिट लिस्ट है 27 तारीख को 5 बजे के 27/9 को 27/9 सितंबर में
5 बजे के बाद आपको आपके वेबसाइट पे HSTS पे लॉगिन करोगे तो आपको अपना रैंक रैंक दिखने लगा कि आपका कितना रैंक दिया गया है। आपका 10 रैंक है, 5 रैंक है, 2 रैंक है, ठीक है। तो आप जाकर रैंक चेक कर सकते हो 27 तारीख को 5 बजे के बाद, 27/9 को दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं वाला फर्स्ट काउंसलिंग का। तो फर्स्ट काउंसलिंग का जो डेट है 28/9/2021 से 30/9/2021 है। सेकेंड काउंसलिंग का जो डेट है 8/10/2021 से लेकर 10/10/2021 तक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग रिजल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट दोस्तों 28 से लेकर 30 तक जिसका सीट अलॉटमेंट होगा उसको 1/10/2021 को 5 बजे से पहले पहले एडमिशन ले लेना होगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे देख सकते हो जो सेकेंड काउंसलिंग का एडमिशन है 11/10/2021 आफ्टर 5 PM तक आपको एडमिशन ले लेना पड़ेगा। आपको सेमेस्टर फी जो है टोकन फी पैड करना पड़ेगा, नहीं करते हो दोस्तों अगर 5 बजे से पहले पहले तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देगा दोस्तों। इनको इन्होंने दे रखा है नीचे कि जो SC ST है 10,000 रुपये उनके कुछ सेमेस्टर फी कम लगेंगे, तो जाकर आप इसे एक बार चेकआउट कर लेना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, उसमें अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया था जो ST SC वाले जो कैटेगरी हरियाणा का उनका फी बहुत कम लगता है सेमेस्टर फी, उसे आप एक बार चेकआउट करना। अब दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन रिपोर्टिंग करना होगा तो आपको रिपोर्टिंग कब करना है, 4/10/2021 से लेकर 6/10/2021 तक आपको कॉलेज में ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके बता दिया जाएगा कि आपको उस समय रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग में दोस्तों कुछ नहीं होता है, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा कॉलेज के अंदर और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका होगा, उसके बाद आपका एक बार वेरीफाई किया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वैकेंट सीट जो ओपन काउंसलिंग होता है उसका एडमिशन 6/10/2021 से लेकर फर्स्ट काउंसलिंग है। सेकेंड ओपन काउंसलिंग का डेट दे रखा है 14/10/2021 का जो ओपन काउंसलिंग होगा 11:59 PM तक, ठीक है दोस्तों। और फाइनल कट ऑफ लिस्ट हरियाणा का जो जारी होगा 30/10/2021 तक। और फाइनल कट ऑफ इंस्टीट्यूट HSTS पोर्टल जब अपलोडिंग करने का डेट है 31/10/2021। अब दोस्तों स्टार्ट ऑफ सेशन लास्ट डेट ऑफ सेशन का कब है, जब आपका सेशन स्टार्ट होगा दोस्तों 1/10/2021 से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेशन आपका जो लास्ट डेट स्टार्ट सेशन 1 से लेकर 30 के बीच में आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इनके बीच में 1/10/2021 से 30/10/2021 तक। दोस्तों आपका ये बहुत अच्छा अपडेट, बहुत गुड न्यूज आपका जो HSTS ने दिया, आपके हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं डिप्लोमा जो 6 साल के बच्चे हरियाणा का उनका पेपर अभी तक नहीं हुआ, पेपर 20 को खत्म होता है, वो अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो आपका ऐसे ही पेपर खत्म होता है उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन आफ्टर आप अप्लाई करोगे। दोस्तों मैंने आपको टेंटेटिव 1 सितंबर का डेट दिया था वीडियो के अंदर, बताया था कि 1 सितंबर को हरियाणा लेट का फॉर्म आ जाएगा, लेकिन जो हरियाणा सरकार ने 20 को ही पब्लिश कर दिया है ताकि जो पहले पास आउट बच्चे हैं वो फॉर्म फिल कर ले, आफ्टर रिजल्ट आते ही जो बच्चे रिजल्ट आएगा उसके बाद जो डिप्लोमा एग्जाम के देने तो वही बच्चे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा कोई क्वारी हो ब्राउचर रिगार्डिंग आपके एडमिशन रिगार्डिंग नीचे कमेंट करना, सो अगले वीडियो के अंदर मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लाइक से नहीं करो दोस्तों, लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। सो टेक केयर, बाय बाय।